तेरिया सिफता गावण ले इंसान भी थोड़े ने, 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 रहीम तू करीम तू गफार तू जीम तू, 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 सारी दरख्ता दे पत्ते जे बन जावण इंसान, 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 दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावण जिउंदी जान, दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावण जिउंदी जान, थोड़े ने सारे जिउंदी, थोड़े ने सारे जिउंदे, थोड़े ने सारे
जग मैदान चन सूरज तेरे ते दिजले पानी अग मैदान तेरिया सिफता गावन जेकर दुनिया दे सुलता को जान गए हैं और हमें परमेश्वर की आराधना ऐसे करनी चाहिए जैसा कि परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए बनाया है। कलीसिया आज पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें, अपने मनों को लगाएं परमेश्वर की ओर। सब तेरा आसमाना तो ऊंचा है तू जान सब तेरा तेरिया सिफता लिखदा रहंदा गीता विच तेरा तेरिया सिफता लिखदा रहंदा गीता विच दिन रात तेरे लिए साडे दिल दे तेरे लिए साडे दिल दे अरमान भी थोड़े रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू रहीम तू करीम
गफार तू अजीम तू कलीसिया। रहीम का मतलब है दयालु, करीम का मतलब है कृपालु, गफार का मतलब है क्षमा करने वाला, और अजीम का मतलब है प्रसिद्ध। वो सच्चा परमेश्वर दयावान है, दयालु है, कृपालु है, और वो हमेशा आप पर दया को करता ही रहता है। कलीसिया तेरी सिफता गावण ले इंसान थोड़े रे, इंसान भी थोड़े।